खबर अब यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर बभनी थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार की रात को प्रसव के दौरान आई पीड़िता के साथ स्टाफ नर्स और दाई ने मारपीट की है। यही नहीं बल्कि दोनों ने प्रसव पीड़िता के बाद भी लापरवाही दिखाई, इससे पीड़िता के बच्चे की मौत होने की बात कही जा रही है। प्रसव पीड़िता ने डिलीवरी रूम के अंदर ही कहानी बताई है और कहा कि ये कहानी पिता को बताई गई। पिता ने इसके लिए शिकायत अब सीएचसी अधीक्षक से कर दी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीड़िता के पिता ने स्टाफ नर्स पर मारने पीटने और उससे 600 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर अब सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का आश्वासन जताया जा रहा है। भगवान की सोमवार के लड़की के हमारे मैंने डिलीवरी रहे, डिलीवरी रहे तो डिलीवरी में यहाँ से ले गए। कहाँ ले गए आप लोग? बभनी, बभनी अस्पताल में। हाँ, बभनी हॉस्पिटल में ले गई तो आशा के भी लेके गई तो वहाँ का भाई कि हम अब तो हमारे लड़की चिरला रही थी दर्द में, चिरलाते 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 उसको मुंह झुरान झुराए लागल मरे। तो अब हम कह थी कि कोई सिस्टर उठ के कम से कम चेक तो करा, एक चेक करा देखा, अब नहीं तो नहीं चेक कर आन के आशा एक बाजी चेक करके तहाँ मरे घुड़का के तहाँ कहा कि अभी नहीं बच्चा पैदा होगा। और ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरएन न्यूज।